सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के रिलीज डेट के बारे में। सो इंटरनेट पे अभी बहुत सारे ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आपको 2026 में देखने को मिल सकता है। बहुत सारे मार्वल फैंस के लिए ये एक सरप्राइजिंग रिलीज डेट होगा, क्योंकि इनिशियली सबको लग रहा था कि अवेंजर्स एंड गेम के बाद एक अवेंजर्स की मूवी लगभग 10 साल दूर है, पर अब ऐसा लगता है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आपको मोस्ट प्रोबेबली 2026 में देखने को मिल सकती है। अब ये डेट सही क्यों हो सकती है, क्योंकि बेसिकली अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे तो पहली अवेंजर्स की मूवी 2012 में निकली थी, दूसरी अवेंजर्स की मूवी यानी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में रिलीज हुई थी, यानी कि 3 साल बाद। इसके अलावा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 में रिलीज हुई थी, एज ऑफ अल्ट्रॉन के 3 साल बाद, और एंड गेम 2019 में आई थी। पर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर को आप एक ही मूवी समझ सकते हो, क्योंकि ये दोनों मूवीज सेम स्टोरी फॉलो करती है और इन मूवीज का विलन भी सेम है। तो आप ये पैटर्न नोटिस कर सकते हो कि हर तीसरे साल या हर चौथे साल मार्वल अपनी एक अवेंजर्स की मूवी रिलीज करती है। और बेसिकली इंटरनेट पर भी ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि मार्वल ने प्लान किया था कि वो 2024 में अवेंजर्स 5 रिलीज करेगी, पर ड्यू टू द पेंडेमिक मार्वल की हर एक मूवी लगभग 2 साल डिले हुई है, इसलिए अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी लगभग 2 साल डिले हुई है। इसलिए इंटरनेट पर ऐसे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मोस्ट प्रोबेबली आपको 2026 में देखने को मिलने वाली है। और अगर मार्वल अपने पैटर्न को फॉलो करती है और अपने अवेंजर्स मूवी के रिलीज डेट पैटर्न को फॉलो करती है, तो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2026 में रिलीज होगी। ये बात काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मार्वल हर तीसरे या चौथे साल एक अवेंजर्स की मूवी प्रोड्यूस करती है। इनिशियली हमें अवेंजर्स 5 की मूवी 2024 में देखने को मिलने वाली थी, बट ड्यू टू द पेंडेमिक अब हमें ये मूवी 2026 में देखने को मिलेगी। अवेंजर्स 5 की मूवी मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है, और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के ऊपर आपको मेरे चैनल पे मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी। कॉमिक्स के अंदर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन डॉक्टर डूम था, पर एमसीयू के अंदर अवेंजर्स 5 और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला है। कॉमिक्स का सीक्रेट वॉर्स और एमसीयू का सीक्रेट वॉर्स काफी ज्यादा डिफरेंट होगा, जहां पे बेसिकली मार्वल के सीक्रेट वॉर्स में हमें एक मल्टीवर्सल वॉर दिखाई जाएगी बिटवीन द कैंग एंड द अवेंजर्स। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, जहां पर मैंने कॉमिक्स सीक्रेट वॉर्स को और एमसीयू के सीक्रेट वॉर्स को एक्सप्लेन करके रखा है। अगर आपको अवेंजर्स 5 के प्लॉट के बारे में और जानना है और ये जानना है कि कैसे अवेंजर्स 5 के अंदर करेक्टर्स लाइक आयरन मैन, स्टीव रॉजर्स ये सब रिटर्न कर सकते हैं, तो इन टॉपिक्स के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियोज है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल रहा होगा। सो ये तो बात हुई अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मोस्ट प्रोबेबली आपको 2026 में देखने को मिल सकती है। पर चलिए अब बात करते हैं ब्लैक एडम के बारे में। सो ड्वेन द रॉक जॉनसन की ब्लैक एडम इनिशियली जुलाई के महीने में ही रिलीज होने वाली थी, पर ये मूवी डिले हुई और ये मूवी अब 21 अक्टूबर को आने वाली है। पर ड्वेन द रॉक जॉनसन ने ये कंफर्म कर दिया है कि आपको द ब्लैक एडम का पहला ट्रेलर 8 जून को देखने को मिलने वाला है। तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले कि आप ब्लैक एडम मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। ब्लैक एडम डीसी की तरफ से इस साल की दूसरी बड़ी मूवी होने वाली है। डीसी ने इनिशियली इस साल द बैटमैन को रिलीज किया था, और होपफुली द बैटमैन के जैसे ब्लैक एडम भी एक काफी अच्छी मूवी हो। बाकी आप किन अपकमिंग डीसी मूवीज के लिए एक्साइटेड हो, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूले। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं भी 17K सब्सक्राइबर्स पे हूँ। लेट्स एम फॉर 17.5। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।